भागलपुर सुल्तानगंज के अब्जुगंज कुटीदार संघ के द्वारा आम सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम विप्लव पहुंचे थे। कुटीर संघ की ओर से मुखिया प्रतिनिधि राकेश कुमार ने बुके देकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम विप्लव का स्वागत किए। साथ ही भाजपा नेता विकास कुमार ने भी बुके देकर सम्मानित किए। इस दौरान भाजपा नेता विकास कुमार ने अब्जुगंज के रोड की जर्जर स्थिति के बारे में बताते हुए मुखिया प्रतिनिधि के पिता को झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया है। साथ ही अब्जुगंज हाल को सौंदर्य करने की बातें कहते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता को अवगत कराया गया। इस दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम विप्लव ने संबंधित करते हुए कहा कि अधिकारियों को कहकर बहुत जल्द सारी समस्याएं का निदान की बात कही। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनेगी, इसको लेकर मतदाताओं से अपील की। हर तरह की सहायता सरकार के द्वारा मुहैया कराने की बात कहते हुए मतदाताओं से आगामी विधानसभा में एनडीए की सरकार चुनकर भेजने की बात कही। इस दौरान भाजपा नेता कुमार मंगलम, श्रवण कुमार, मुखिया मनोरमा देवी, पूर्व उप मुखिया मंजू देवी मौजूद थे। सुल्तानगंज संजीव कुमार के साथ संतोष राज की रिपोर्ट। ये चीज तो मैं कह नहीं सकता कि कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा, क्योंकि ये दो राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच में फैसला होना है और एक और हमारे पार्टी हमारी गठबंधन में भी शामिल है लोजपा, वहाँ भी नेतृत्व का परिवर्तन हुआ, वहाँ भी युवा चेहरे को जगह मिली है। लोजपा के बराबर में तो बीजेपी नहीं ना? नहीं, तीनों बैठ करके ही सब लोग आपस में बात करेंगे और इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता कि कौन कितने पे लड़ेगा, लेकिन दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष आपस में दोनों दलों के तीनों दलों के लोग बात करेंगे केंद्रीय नेतृत्व का। और हाँ, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं की निश्चित रूप से ये इच्छा और अपेक्षा है कि हम लोग। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.